श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोको महला पहला। दया कपास संतोखो सोतो जतो गड़ी सतो बटो एहो जनऊ जीव का हईता पांडे तत्तो। ना एहो तुटे ना मलो लगे ना एहो जले ना जाई तनु सो मानस नानका जो गले चले पाई। चौकड़ी मुली नाइया बही चौके पाया सिक्का कन्नी चढ़ाया गुरु ब्राह्मणु थिया। ओहो मुआ ओहो चढ़ी पाया वे लगा गया। हम जनेऊ पहनते हैं उनका सही रूप बताते हैं। दया की कपास हो संतोष का सूत्र हो उसमें वासना नियंत्रण की गांठ और दृढ़ चेतता के बल डाले जाएं, तो आत्मा का सही जनेऊ बनता है। यदि हे पंडित ऐसा उपवित्त तुम्हारे पास है तो मुझे पहना दो। ऐसा जनेऊ ना टूटता है ना मलिन होता है ना जलता है ना गुम होता है। गुरु नानक जी कहते हैं ऐसा उपवित धारण करने वाला व्यक्ति धन्य है। चार कौड़ियों के मूल पर लाया गया और विशिष्ट अनुष्ठान पर चौक पोर करके पहना गया जनेऊ तथा उस पर गुरु ब्राह्मण द्वारा कान में दीक्षा मंत्र, क्या लाभ इसका। व्यक्ति मर जाएगा, जनेऊ शरीर से अलग हो जाएगा, आत्मा उसके बगैर आगे जाएगी, अर्थात आत्मा को चरित्रिकता का जनेऊ पहनाया जाएगा, मृत्यु उपरांत भी साथ तो रहेगा। सिखा कन्नी चढ़ाया गुरु ब्राह्मणु थिया ओहो मुआ ओहो चढ़ी पया वे तग्गा गया। लख चुरासी लख जारियां लख कूड़ियां लख गाली लख ठगिया पहना मियां रात्रि दिन सु जीव नाली तग्गो कपाऊ कथिए बामनु बट्टे आई कोही बकरा रिनी खाया सब को आंखें पाई होया पुराना सूटिए भी फिरी पाइए औरो नानक तगो ना तुटे जे तगी होवे जोरू। जनेऊ पहनकर भी यदि लोग लाखों चोरियां व्यभिचार मिथ्या वचन और गालियां देते हैं और रात दिन लाखों ठगियां और गोपनीय दुष्चरित्रता प्राणों के साथ बनाए रखते हैं, कपास को काट करके धागा बना लेते हैं, ब्राह्मण इसे बल दे करके पहना देता है, बकरे का मांस पका करके सह भोज किया जाता है, सभी यज्ञोपवीत के साक्षी होते हैं, पुराना हो जाता है उतार फेंकते हैं फिर नया धारण करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जनेऊ का बंधन यदि शक्तिवान हो तो कभी टूट नहीं सकता, अर्थात यदि जनेऊ उपयुक्त गुणों का हो तो कभी नष्ट नहीं होता। नानक तगु ना तुटे जे तकी होवे जोरू नाई मनिए पति उपजे सालाही सच्चो सुतो दरगाह अंदरी पाइए तगु न तुटसी पूत। परमात्मा की स्तुति से ही सच्चा धागा उपजता है और प्रभु हरि नाम स्मरण से उसके पक्केपन की साक्षी होती है। परमात्मा की स्वीकृति से यदि ऐसा जनेऊ अंतरात्मा में धारण कर ले तो यह अति पवित्र बंधन धागा कभी नहीं टूटता। दरगाह अंदरी पाइए तगुना तुट सी पुत
तगु न इंद्री तगुन न नारी, पलके तुक पवे नित दाढ़ी। तगुन न पैरी तुगना अथी, तुगना जीवा तुगना अखी। वे तगा आपे बते, बठी तागे अवरा दत्ते। ले पाड़ी करे बियाहू कड्डी कागलू दसे राऊ। सुनी देखूं लोका एहू विडानू, मणि अंधा नाम सुजानू। पुरुष तथा स्त्री के विषय अनुरक्त अंगों के लिए कोई धागा नियंत्रण नहीं। प्रतिदिन दाढ़ी में थूक लगता है, विषय भोगों के कारण अपमानित होता है। हाथ पैर पर कोई नियंत्रण धागा नहीं। जीभ या आंख पर कोई नियंत्रण नहीं। स्वयं तो पंडित बने, बिना धागे अनियंत्रित घूमता है और दूसरे को धागे बट बट कर पहनाता है। भाड़ा लेकर के विवाह करवाता है। शास्त्रों पोथियों का प्रमाण देकर के लोगों को राह बताता है। सुनो और देखो हे लोगों, ये कितना विचित्र है कि सूझ से बंदे को सुजान सूझवान कहा जाता है। सुनी वेखूं लोका आए हूं विडानू, मणि अंधा नाव सुजानू। साहिबो ओई दयालु, कृपा करे ता सही कार कराई सी। सो सेव को सेवा करे जिसनों हुक्मी मनाई सी। हुक्मी मनिए होए परवानू, ता खसमे का मैलो पाई सी। खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया, सो फलु पाई सी। ता दरगा पैदा जाई सी। परमात्मा की कृपा हो और वह दयापूर्वक जीव से सुबद्ध कर्म करवा सकता है। वह जीव प्रभु का सच्चा सेवक हो सकता है जो उसके हुक्म का पूरा पूरा पालन करता है। प्रभु हरि का आदेश मानने वाला ही उसे स्वीकार है और तभी वह स्वामी की संगति प्राप्त करता है। वह वही करता है जो उसके प्रभु को मंजूर होता। इससे उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। वही जीव ससम्मान प्रभु के द्वार में जाने का अधिकारी है। खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया, सो फल उपाई सी। ता दरगाह पैदा जैसी। श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को करूं लामू, गोबरी तरनु न जाई। धोती तो टिक्का ते जप माली, तानु मलेच्छा खाई। अंतरी पूजा पड़ी कतेबा, संजवों तुरका पाई। छोड़ ले पखंडा, नाम लिए जई तरंदा। विचित्र विडंबना है। गऊ और ब्राह्मण पर तो कर लगाया जाता है। गाय का गोबर रसोई लीपने के लिए पवित्र माना जाता है। गोबर तो किसी को मोक्ष नहीं दे सकता। एक ओर धोती तिलक और माला धारण किए रहते हो, दूसरी ओर मलेच्छों का धान्य खाते हो। घर के भीतर बैठ कर के पूजा करते हो और बाहर कुरान पढ़ते और मुसलमानों की नई व्यवहार करते हो। हे ब्राह्मण, इन पखंडों को छोड़ो। केवल हरि प्रभु नाम जाप से ही मुक्ति संभव है। अंतरी पूजा पड़ी कते बाद संजमो तुर्गा पाई। छोड़ ले पखंडा, नामे लइए जाई तरंदा। मानस खाने करी निवाज, छुरी वगाइनी तिन गली ताग। तिन करी ब्राह्मण पूरी नाद, ऊना की आवी ओई साद। कुड़ी राशि कूड़ा व्यापारू, कुड़ी बोली करी आहारू। शर्म तरम का डेरा दूरी,
नानक कूड़ रिया पर पूरी मथे टिका तेई तोती कखाई अथी छुरी जगत कलाई कसाई मथे टिका तेरी तोती कखाई अथी छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पहिरे ओवे परवानु मले छितानु ते ले पूजे पुरानु अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके उपरी किसे न जाना देख के चुका कड्डी कार उपरी आई बैठे कुड़ियार पत्तू मिट्टे वे मतु मिट्टे एहो अनु असाड़ा फिट्टे तिन्नी फिट्टे फेर करीने मणि जूठो चली परीने कहूँ नानक सच ते आई सुवी सुच्ची अवें त सचु पाई। मनुष्य का मांस खा जाने वाले मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और जो अत्याचार की छुरी चलाते हैं वे जनेऊ पहने घूमते हैं। उनके घरों में भी ब्राह्मण शंखनाद करते हैं, उन्हें भी वही आनंद है। उनका समूचा मूलधन और व्यापार अर्थात कारण तथा कार्य मिथ्या हैं। वे झूठ बोलकर ही निर्वाह करते हैं। श्रम और धर्म की चेतना उनसे दूर है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, उनके प्रत्येक व्यापार में मिथ्यापन भरा है। वे माथे पर तिलक लगाते और कक्षा युक्त धोती पहनते हैं, हाथों में छुरी लिए संसार पर जुलम करते हैं। नीले कपड़े पहन करके मुसलमानों में स्वीकार होना चाहते हैं। हिंदू लोग नीले कपड़े पहन करके मुसलमानों को खुश करते थे। गुरु जी इस दास भावना की निंदा करते हैं। मलेच्छों से प्राप्त अन्न को पूजा में चढ़ाते हैं। एक और अभाषा अरबी फारसी आदि का कलमा पढ़ करके हलाल किया बकरा खाते हैं और दूसरी ओर अपनी रसोई के समीप किसी को आने नहीं देते। रसोई की लिपाई करके उसके गिर्द लकीर लगाते हैं और भीतर अपने समूचे मिथ्या व्यवहार को मन में छिपाए स्वयं बैठते हैं ताकि कहीं छूत ना लग जाए, कहीं हमारा अन्न किसी के छूने से खराब नहीं हो जाए। विषय वासनाओं के कारण भ्रष्ट शरीर से फिर बुराइयां करते हैं, दूषित मन से मुट्ठी भरते दान करते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि इन सब पखंडों को त्याग करके उन परम सत्य का पालन करो। मन में यदि पवित्रता हो तभी वह परम सत्य प्राप्त होता है। कहूँ नानक सच्चू त्याइए सुच्ची होवे ता सच्चू पाइए चित्ते अंदरी सब कवेखी नदरी एथी चलाईदा आपे दे वंडे आईया आपे ही करम कराईदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिरी तंदे लाईदा नदरी उपठी जे करे सुल्ताना ताहो कराई दा दरी मंगनी पिख ना पाई दा। सब कुछ परमात्मा के ध्यान में है और सब कर्म उसकी दृष्टि में ही हो रहे हैं। वे अपनी इच्छा से किसी को बढ़ाई देता है, वही सबसे कार्य करवाता है। बड़ों से भी बड़ा वह परमात्मा अपनी विस्तृत सृष्टि के जीवों को उपयुक्त कामों में लगाता है। यदि उसकी कृपा दृष्टि ना हो तो बादशाह भी धूल चाटते हैं, उन्हें द्वार द्वार मांगने से भी भिक्षा प्राप्त नहीं होती। नदरी उपठी जे करे सुल्ताना काहु कराई दा दरी मंगनी पिख ना पाई दा। श्लोक मेला पहला जे मोहाका करू मुख धरू मुहि पितरी दे
अगे वस्तु सियानिए पितरी चोर करे वड़ी अड़ी हथ दलाल के मुसफी ए करे नानक अगे सो मिले जी खट्टे काले ते। यदि कोई चोर किसी का घर लूट करके अपने बुजुर्गों का श्राद्ध करे तो वह वस्तु परलोक में पहचानी जा करके पितरों को भी चोर बना देगी, अर्थात पितरों के श्राद्ध में चोरी की वस्तु से पुण्य प्राप्त नहीं होता, पितरों को कष्ट होता है। जे मोहाका करू मुहे पितरी देई अगे वस्तु सियानिए पितरी चोर करी। न्याय के तौर पर मध्यस्थ ब्राह्मण के हाथ काट दिए जाएंगे। गुरु नानक जी कहते हैं कि परलोक में वही प्राप्त होता है जो परिश्रम से कमाया जाता है। वड्याई हथ दलाल के मुस भी ए करे नानक अगे सो मिले कि खट्टे काले दे। जियो जोरो सिर नामनी आवे वारो वार जुठे जूठा मुखी वसे निदित होई खुआर। सुच्चे एही न आखी बहनी जी पिंडा तोई सुच्चे से नानका जिन मनी वस्या सोई। जिस प्रकार स्त्री को स्वतः बार बार रस वाला होना होता है, इसी तरह झूठे व्यक्ति के मुख से में स्वभावतः झूठ रहता है और इससे वह नित्य मलिन होता है। ज्यों जोरो सिर नामनी आवे वारो वार झूठे झूठा मुखी वसे नित नित ओई खवार। उन लोगों को निर्मल नहीं कहा जा सकता जो स्नान करके शरीर को धो बैठते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं निर्मल वे ही होते हैं जिनके मन में वह परम पुरुष बसता है, अर्थात जो परमात्मा हरि का भजन करते हैं। सुच्चे सही नानका जिन मनी वस्या सोई। तुरे पलाने पवन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाई बैठे करी पसारिया। चीज करनी मन्नी पाव दे हरी बुजनी नाई हारिया करी फरमाइसी खाया वेखी मैं लती मरनु विसारिया जरु आई जोब निहारिया। पवन वेग से चलने वाले काठी धारी घोड़ों और हर तरह से सजे हुए रणिवासों का स्वामित्व हो, शानदार भवनों तथा उद्यानों का प्रसार हो, मन भाते उल्लास विलास प्राप्त हो, तो भी हरि भजन के बिना वे लोग जिन्हें उक्त सब कुछ प्राप्त हैं पराजित हैं। वे शासन के अधिकार को भोगते हैं, अपनी प्रशस्ति सुन सुन करके मरना भूला बैठे हैं, किंतु वे भूल जाते हैं कि बुढ़ापा आते ही यौवन पराजित हो जाता। करी फुरमाइसी खाया वेखी मैं रती मरनो विसारिया जर आई जोबनी आ रहा। श्लोक मेला पहला। जे करी सुत को मनिए समते सुत कोई गोहे अत्ते लकड़ी अंदर कीड़ा होई जेते दाने अन के जिया बाजू न कोई पहला पानी जियो है जीतो अरिया सबू कोई सुत को क्यों करी रखिए सुत को पवे रसोई नानक सुत को एव ना उतरे ज्ञानु तारे तोई। यदि किसी एक स्थिति को अपवित्र माने तो अपवित्रता तो सब जगह होती है,
गोबर लड़की लकड़ी जो हम भोजन बनाने के लिए जलाते हैं उसमें भी कीड़ा होता है, जिसके जलने से अपवित्रता पैदा होती है। अन्न के जितने कण हैं सभी में जीव होता है, उसको खाने से अपवित्रता होती है। सर्वप्रथम पानी ही जीवन है, जिससे सबको ताजगी मिलती है, उसमें भी अपावन परमाणु होते हैं। अतः अपवित्रता से क्यों कर बचा जा सकता है? अपवित्रता तो हमारी रसोई में ही रहती है। गुरु नानक जी कहते हैं कि अपवित्रता यूं दूर नहीं होती, उसे एकमात्र ज्ञान के साबुन से धोकर ही दूर किया जा सकता है। सुत को क्यों करी राखिए, सुत को पवे रसोई, नानक सुत को वैवे ना उतरे, ज्ञानियों उतारे तोई। मन का सुत को लोभू है, जीहा सुत को कोड़ो, अखी सुत को वेखना, पर त्रिय पर तन रूपो, कन्नी सुत को कन्नी पे, लाइत वारी खाही, नानक अंसा आदमी बद्दे जमपुर जाएं। लोभ की वृत्ति मन की अपवित्रता है। झूठ बोलने से जीहा पवित्र होती है। मन का सुत को लोभू है, जीवा सुत को कूड़ो। लोभ की वृत्ति मन की अपवित्रता है। झूठ बोलने से जीहा पवित्र होती है। प्राय स्त्री प्राय धनी या रूप यौवन को देखना आंख की अपावनता है। दूसरों की निंदा चुगली सुनना कानों की अपवित्रता है। गुरु नानक जी कहते हैं इन्हीं मलिनताओं में बंधे हंस रूपी मनुष्य यमपुर सिधार जाते हैं। नानक अंसा आदमी बद्दे जमपुरी जाएं। सब सुत को परमु है, तुझे लगे जाएं, जमनु मरना उकमु है, पाने आवे जाएं। हर प्रकार की अपवित्रता जो एक से दूसरे को लगने की बात कही जाती है एक वहम है। जन्म मरण का चक्कर प्रभु के आदेश से चलता है। आत्मा का आवागमन ईश्वर इच्छा पर आधारित है। सब सूत को परमु है, दूजे लगे जाएं, जमनु मरना हुकुमु है, पाने आवे जाएं। खाना पीना पितरु है, दितौन रिज को समाई, नानक जिन्नी गुरमुख बुझिया तिन्ना सूत के नाई। खान पान जो परमात्मा ने रोजी के रूप में दिया है सब अपवित्र है। गुरु जी कहते हैं कि जिसने गुरु उपदेशों से इस तथ्य को जान लिया उन्हें किसी प्रकार की मलिनता अपवित्रता नहीं लगती है। सतगुर वड्डा करी सलाइए, जिसो विच्ची वड्या वड्याइया, सही मिले ता नदरी आया, जा तिसो पाना ता मन्नी वसाइया। करी अकुमो मस्त की अथो तरी, विच्चू मारी कड़िया पुरियाइया, सही तुठे नव निधि पाया। आप गुरुजी बताते हैं कि दूषण की उपयुक्त बुराइयों को गुरु ही निकाल सकता है। सतगुरु में महान गुण है, उसी को बड़ा करके मानिए, उसी की प्रशस्ति कीजिए। परमात्मा हरि की दया हो तभी सतगुरु से मिलाप होता है, उसकी इच्छा हो तभी मन में लगन लगती है। प्रभु हरि का हुक्म हो तो सतगुरु जीव के माथे हाथ रख करके सब बुराइयों को निकाल देता है। मालिक के प्रसन्न होने से हर प्रकार के सुख नौ निधियां, पहली पदम, दूसरी महापदम, तीसरी शंख, चौथी मकर, पांचवी कश्यप, छठी कुंद, सातवीं नील, आठवीं मुकुंद,
और नवी खरब, ये नौ निधियां प्राप्त होती हैं। करी हुकमो मस्तकी अथो तरी विचों मारी कदे आदुरी आईया सही तुठे नव निधि पाइया। श्लोक मेला पहला, पहला सुच्चा आपी हुई सुच्चे बैठा आई सुच्चे अगे रखियोनु कोई न मिट्यो जाई। सुच्चा हुई के जेबिया लगा पढ़नी सलोकू कोती जाई सत्या किसु एहो लगा दुखू। अन्नु देवता पानी देवता बेसंतरु देवता लूनु पंजवा पाया ते तो ता अवा पाकू पवितु। पापी सोतन गड़िया थुक्का पया तितु चित्तु मुखी नाम ना उचरी बिनु नामे रस खामी। नानक में जानिया तितु मुखी थुक्का पाई। दूषणियां अपवित्रता अन्न पानी से नहीं होती। वास्तव में ये मनुष्य के नाम रहित जिंदगी में ब्राह्मण या पखंडी लोग पहले नहा धोकर के स्वयं निर्मल होते हैं, फिर निर्मल किए गए चौके में बैठ करके अदूषित निर्मल परोसों में श्लोक पढ़ते हुए भोजन करते हैं, किंतु वह निर्मल भोजन अंततः गंदगी बनाकर गंदगी में फेंक दिया जाता है। इसका दोष किसे लगा? अर्थात आखिरकार विष्टा के रूप में वह गंदगी बन जाता है। उसे निर्मल से पानी किसने किया है? अन्न देवता की तरह पवित्र था, पानी अग्नि नमक और घी भी सब पवित्र थे, और जब पांचों से मिलकर के पवित्र भोजन बना था, पेट की गंदगी के संयोग से वह पवित्र भोजन थूकने योग्य मलिन हो गया। उसमें थूका दी अपवित्रताएं मिल गई। जिस मुख से नाम उच्चारण नहीं होता और व्यक्ति बिना प्रभु हरि नाम के रसों का भोग षट रस भोजन करता है, तो गुरु जी कहते हैं मैं मुंह थूकने के योग्य है। जितो मुखी नाम ना उचरी बिनु नामे रस खाई। नानक एवें जानिए तितो मुखी थुक्का पाई। पंडी जमीए पंडी नीमिए पंडी मंगनु भी आऊ पढ़ू होवे दोस्ती पढ़ू चले राऊ। पंडू मुआ पंडू पाड़िया पंडी होवे इस बंदानू। सोको मंदा आखिए जितो जम्मी राजान। पंडू ही पंडू उपजे पंडे बाजू न कोई। नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोई। जितो मुखी सदा सलाई पागा रत्ती चारी। नानक ते मुख उजले तितो सच्चे दरबारी। स्त्री जन्मदात्री है, फिर भी कुछ लोग उसे नीचियां पवित्र मानते हैं, फिर उसी से सगाई विवाह करते हैं, स्त्रियों से प्रेम करते हैं। इसी से ही संसार की निरंतरता बनती है। स्त्री की मृत्यु हो जाए तो दूसरी स्त्री की खोज करते हैं। स्त्री ही समाज की स्थिरता का कारण है। बड़े बड़े महापुरुषों को जन्म देने वाली स्त्री को बुरा क्यों कर समझा जा सकता है? स्त्री से स्त्री पैदा होती है। स्त्री के बिना संसार की रचना का और कोई नहीं। गुरु नानक जी कहते हैं कि स्त्री से बाहर अर्थात योनि केवल वही एक सत पुरुष है। यदि कोई सुंदर मनुष्य भाग्य के कारण उस प्रभु हरि की प्रशस्ति करता है, तो गुरु जी कहते हैं हे नानक जी उसका मुख उजला होता है और वह सतपुरुष से संयोग प्राप्त कर लेता है।
जितू मुखी सदा सलाई भागा रत्ती चारी नानक ते मुख उजले तितू सच्चे दरबारी। सब को आंखें आपना तिसू नाई सो चुन्नी कड़िए कीता आपो आपना आपे ही लेखा संदिए जा रहना नाई एतू जगुता काइतु गाई का रबी अंडिये मंदा किसे ना आखिए पड़ी अखरो एहो पूजिए मूर्खे नाली न लूजिए। गुरु जी स्त्री जाति के पक्ष में एक और तर्क देते हैं। परमात्मा को सब अपनी भावनाओं के अनुसार अपनाते हैं, ना अपनाने वाले व्यर्थ समझे जाते हैं और अलग कर दिए जाते हैं। सब अपने अपने कर्म का हिसाब चुकाते हैं। जब इस संसार में किसी को स्थिर नहीं रहना है तो फिर क्यों भी मान में फंसा जाए। अर्थात स्त्री पुरुष दोनों कर्म लेख से बंधे हैं, दोनों नश्वर हैं, फिर स्त्री को नीच क्यों समझा जाए। यदि हम पढ़े लिखे हैं और स्त्री अनपढ़ है तो भी हमें विद्या पा करके यही सीखना चाहिए कि हम किसी को नीच या बुरा नहीं समझें, मूर्ख के साथ झगड़ा नहीं करें। मंदा किसे ना आखिए पड़ी अखरू एहो बुझिए मूर्खे नाली न लूजिए।